आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी नजर से मैं। और अभी मैं सीधा सीधा स्टेशन से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और मैं फिर से आ चुकी हूँ होशंगाबाद। और विशु मुझे लेने आया है, भैया भी मुझे लेने आया है और ये पापा भी मुझे लेने आए हैं। और ब्लॉग करना भूल जाती हूँ, मुंबई से इसलिए ब्लॉग नहीं करा कि मेरे को टाइम नहीं मिला, भगते भगते ट्रेन पकड़ी मैंने। तो अब आपको मिलती हूँ सीधे मैं अपने घर पे। पापा आप अभी भी ट्रेन गिनते हो, ट्रेन के डिब्बे? पापा और मैं हमेशा ट्रेन के डिब्बे गिनते थे, बैठ जाते थे। ए पापा, पापा आपको याद है पहले हम लोग वो गिना करते थे बैठ के ट्रेन के डिब्बे? देखो चक्का हिल ही नहीं रहे। यहाँ ठीक करवाएं क्या? हाँ, कहाँ भैया, कहाँ भैया, क्या कर रहा है? डिब्बे देख रहा है? वो ट्रेन वहां पर कितनी देर में पहुंचेगी? ठंड नहीं लगेगी? पापा ये कितने जन्मों का स्वेटर आपने रख रखा है ये बताओ, हैं? ये कब रिजेक्ट होगा, हैं? ये कब रिजेक्ट होगा? मैं तो विशु से रोज पूछ रही थी गर्मी, तो बोले नहीं उतनी नहीं है। तो मैं तो अपना एक स्वेटर जो था वो भी रखा हुआ था वो भी छोड़कर आ गई। मैंने बोला ठीक है ये एक मेरे पास है। भैया मफलर लेगा है? चलो कौन चलेगा? कितनी बढ़िया गाड़ी चलाता है, कोई बैठे उसकी गाड़ी में? बढ़िया चलाता है। और सबसे बड़ी बात है अगर आपको डर लग रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस में लेके चलाता है, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ। तू यहाँ कब से? तू यहाँ, तू अभी तक नहीं समझ पाया कि हमारे घर में ऐसे होता है? हम ये अभी तक नहीं समझ पाया कि हमारे घर में ऐसे ही होता है? अगर टाइमिंग पापा जी एक घंटे की है पहली है तो दो घंटे पहले जगा दिया जाता है। 8 बजे गाड़ी आने का टाइम तो 7:30 तक पहुँच जाओ वहाँ पे। हर हालत में 7 बजे अगर चढ़ाना है, अगर खुद चढ़ना है सामान लेके और रहना तो ठीक है, अब लेने जाना 5 मिनट में भी लगना। अगर अगर थोड़ा लेट भी होगा तो मम्मी थोड़े से बैठ जाएंगे, क्या हुआ? नहीं अरे वाह, मतलब मेरे इतना गुस्सा है ना, मेरे को फिर नींद नहीं है। तो तेरे को नींद लाने की जरूरत भी नहीं थी उसके बाद? अच्छा बात कर, हम नहीं सोता हूँ ढंग से, तो उसमें हम क्या करें पापा, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं ना जी आपको बोल रहा था ना मेरी आंखें जलती है ना, वो पता है मुझे समझ में आगे क्यों जलती है? अच्छा क्यों जलती है? क्योंकि आप मेरे को उठा देते हो, नींद पूरी नहीं होने देते कभी। जैसे आज आप अभी इतने 1-2-3-4 हफ्ते से इतना बढ़िया सो रहा हूँ, मैं इतना बढ़िया सो रहा हूँ, कोई उठाने वाला ही नहीं। एक एक रीजन ये भी हो सकता है कि पापा अपन जल्दी 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 सो के घर में आ चुकी हूँ और अब वेट कर रही हूँ ऐना का। ऐना करेगी मेरा स्वागत। मतलब मैं सफर से आई हूँ बहुत लंबे। बहुत पहने नाखून है, बहुत पहने नाखून है। उल्टा लेटता है, समझ लो अपने बड़ा सेफ
टांगे कितनी पतली है इसको दिखाओ, क्यों अन्याय कर रहे हो, टांगे बहुत पतली है इसकी, हड्डियां कैल्शियम वैल्शियम दे रहे हो रेगुलर, कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते। तो मैं अब तैयार होके मार्केट जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है मार्केट का, और इधर विशु बहुत चिड़चिड़ा रहा है मुझ पर, बट ठीक है चलो हो गया, मैं आके फटाफट मैं नहाई हूँ, नाश्ता करी हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ। क्या करना है, ये पीछे रख दूँ ना, पहले नर्वस, ये तो खोल, अरे बाप शर्ट भी तो ऐसी वाली लेकर आया है, गर्मी है बाहर, आपके कमरे में ठंड है, आगे हल्की फुल्की तेरी शर्ट पहन लूंगी, वो नानी के घर में ही ठंडा है, तो हमारी सवारी, हाँ तो हमारी सवारी निकल चुकी है और मैं जा रही हूँ, मम्मी की एनिवर्सरी है तो कुछ सामान खरीदने जाना है मुझे, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली मैं चाहती हूँ कि उनको करूँ, वैसे ज्यादा कुछ तो बड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ये छोटी छोटी चीजें मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके मम्मी पापा 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बस तो आपको सीधे मिलती हूँ मार्केट में। अच्छी खासी गर्मी हो रखी है, तेरे को कैसा लगता है विशु यहाँ का मार्केट? पार्ला मार्केट, पार्ला मार्केट तो बहुत पॉश है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर चीजें, कपड़ा मार्केट बड़ा अच्छा हो गया, बहुत चीजें अच्छी मिल जाती है ना। तो हम लोग आ चुके हैं नर्मदा नदी के किनारे, कुछ पूजा पाठ करनी थी तो वो थोड़ा सा करने आए हैं, और ये नर्मदा नदी को एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब मुंबई से यहाँ पर आती हूँ ना तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो मेरा सब निकल जाता है, फिर मैं घर में बैठे रहा तो आलस भी आता है, तो आज मैं आई हूँ तो मैंने सोचा आज मैं सारे काम खत्म करूंगी, उसके बाद ही फिर मैं कुछ करूंगी, तो अभी बहुत सारी छोटे छोटे काम है, मम्मी के लिए वरमाला माला का भी ऑर्डर देना है मुझे, वो भी दूंगी, बाकी सारी चीजें भी करूंगी, केक भी ऑर्डर करना है मुझे, तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और नर्मदा नदी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर मैं एक शॉप देख गई जिसमें हमें कुछ क्राफ्ट का सामान खरीदना था, मुंबई में हमें टाइम नहीं मिल पाता तो हमने सोचा हम यहाँ से खरीद लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपना मुंह सब धो लिया है, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी और पता है बहुत सारा सामान खरीदने के चक्कर में मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, तो वो एनिवर्सरी है तो हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।